हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी। तो मैं इसको चकला बेलन से नहीं बनाऊंगी, मैं इसको हाथ से ही बनाऊंगी। ये हाथ से भी इजीली बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है चावल का आटा। तो ये हमें बारीक आटा लेना है, ये बारीक पिसा हुआ आटा होना चाहिए। तो मैं इसको नॉर्मल पानी से गूँथूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको गूँथती रहूँगी। तो इसको हमें कम से कम 5-6 मिनट के लिए गूँथना है। पहले इसका डो रेडी करेंगे और उसको हम हाथों से गूँथते रहेंगे। तो 5-6 मिनट तक हमें इसी तरीके से इसको गूँथना है। जितना आप आटे को गूँथोगे उतना ही चपाती अच्छे से बनेगी और सॉफ्ट भी बनेगी और फूलेगी भी। तो ये मैंने इसका एक डो रेडी कर लिया, मैं इस तरीके से इसको गूँथ रही हूँ। तो आप देख सकते हो, और आटा ना ही टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। ये मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा डो चिकना बनकर तैयार हो गया है। अब ये डो रेडी हो गया, अब मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर मैं इसकी चपाती रेडी करूँगी। मैंने हाथ धुल के अब इतनी लोई ली है, आप छोटी बड़ी कर सकते हो। अब मैंने इसकी एक लोई बना ली है, अब मैं हाथ से इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी और इस तरीके से अब इसकी किनारी को रोल करूँगी। ऐसा करने से किनारी फटती नहीं है। और अब हम हथेली की हेल्प से इसको बड़ा करेंगे इस तरीके से। हथेली से इसको हल्के हाथ से दबाएंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ दबा के रोटी बनाओगे तो रोटी फट जाएगी, तो हल्के हाथ से इसको बनाना है। अब हम फिंगर को बंद करेंगे और फिंगर से रोटी को बड़ा करेंगे, पूरे हाथ से रोटी को बड़ा करेंगे। रोटी बड़ी होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हो रोटी पूरी बड़ी बन गई है और मोटी भी नहीं है। अब मैंने इधर तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा गर्म हो गया है। अब मैं इस पर इस तरीके से चपाती डालूँगी। अब मैं इस तरीके से ही दूसरी चपाती भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। गैस की फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, नहीं तो रोटी जल जाएगी। अभी देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया। फिर से मैं हथेली की हेल्प से इसको बड़ा करूँगी। और अब मैं चपाती को पलट देती हूँ क्योंकि ये एक साइड से सिक गई है। मैं इस तरीके से फिंगर को बंद करके पूरे हाथ से रोटी को बड़ा करूँगी। ये इजीली बन जाती है, आपको एक दो बार ट्राई करना होगा। और ये हाथ वाली रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये रोटी सिकी नहीं है, ये देखिए आप सीख गई है। अब मैं दूसरी रोटी इस पर डाल दूंगी। अब हमें इस तरीके से इसको सेकना है। ये देखिए रोटी फूलने लगी। आपका आटा अच्छा गूंथा हुआ होगा तो रोटी जरूर से फूलेगी। अब इसी तरीके से मैं दूसरी चपाती भी बना लेती हूँ। ये चावल के आटे की रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये इजीली बनकर तैयार हो जाती है, बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो ये हमारी चावल की आटे की रोटी फूली फूली बनकर तैयार है, तो आप भी ट्राई कीजिए। अब मैं इस पे बटर लगा देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी चावल की आटे की रोटी बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।